यार हमारे जग्गू दादा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने भेड़ो शब्द के ऊपर अपने ट्रेडमार्क राइट्स के प्रोटेक्शंस मांगे हैं और ऐसा ही प्रोटेक्शन अनिल कपूर ने अपने झक्कास वर्ड के लिए मांगा है। पर क्या ऐसे राइट्स दिए जा सकते हैं? सो द आंसर इज येस। ये प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स या पेटेंट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या होते हैं विद एलिट फॉर जुडिशरी। सो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कॉपीराइट की बात करें तो ये आपके ओरिजिनल लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क्स, जैसे आपने कोई बुक लिखी, कोई सॉन्ग कंपोज किया या कोई फोटोग्राफ क्लिक की, इन आर्टिस्टिक वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट या पब्लिकली डिस्प्ले करने के लिए आपको कॉपीराइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कोई वर्ड, सिंबल या डिजाइन होते हैं जिनके थ्रू आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की पहचान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फोन इस लोगो के साथ मिले तो आप कितने खुश होंगे, पर यही सेम फोन आपको इस लोगो के साथ दिया जाए सो यू विल बी लिटिल हेजिटेंट टू पे फॉर इट, राइट? सो ट्रेडमार्क से कंपनी की रेपुटेशन और उसके गुडविल की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और अब बात करते हैं पेटेंट्स की। सो पेटेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेंशंस को, यानी कोई ऐसी चीज जिसे पहले कभी नहीं बनाया गया, जैसे टेलीफोन या लाइट बल्ब। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ यू नो द डिफरेंस अमंग दीज राइट्स एंड इफ यू लाइक आवर इन्फॉर्मेशन फॉलो एलेक्स फॉर जुडिशियरी। थैंक यू।